नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार थ्योरेटिकली कम से कम 10 डायमेंशन संभव हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान 6th डायमेंशन और उससे ऊपर के डायमेंशंस पर वास करते हैं? क्योंकि हम तीसरे आयाम में रहते हैं, इसलिए अपनी आंखों से उन्हें देख पाना असंभव है। आइए इस डायमेंशन की थ्योरी को हम विस्तार से समझते हैं। अगर हम वन डायमेंशन की बात करें, वो एक सिंगल लाइन या सीधी रेखा है। मैथमेटिक्स की भाषा में इसे एक्स एक्सिस कह सकते हैं। सेकेंड डायमेंशन एक प्लेन है जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो है पर मोटाई नहीं है। आपने 10th क्लास में बहुत लीनियर इक्वेशन ग्राफ बनाए होंगे, ये वही है। थर्ड डायमेंशन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ जेड कोऑर्डिनेट भी होते हैं, इसे थर्ड डायमेंशन सिस्टम कहते हैं। फोर्थ डायमेंशन होता है समय। फोर्थ डायमेंशन सिस्टम में हमारा थर्ड डायमेंशनल यूनिवर्स समय के साथ बदलता है। इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा इसी चौथे डायमेंशन में घूमती है। यही कारण है कि मरने के बाद आत्मा को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और तीसरे आयाम में रो रहे उसके रिश्तेदार को वो देख तो पाता है पर कुछ कर नहीं पाता, ना ही अपने परिजनों को वो छू पाता है और अपनी यमलोक की यात्रा को प्रारंभ कर देता है। अब आते हैं पांचवें आयाम पर। पांचवें आयाम पर जो कोई भी रहता होगा वो ये देख पा रहा होगा कि समय के साथ हमारा ब्रह्मांड कैसे बदल रहा है। उस पांचवें आयाम पर रह रहे प्राणी के लिए समय कोई मायने नहीं रखता है। वो प्राणी ना तो कभी बूढ़ा होगा और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होगा। उसके जीवन का विस्तार छठे आयाम और उसे ऊपर आयामों पर रह रहे प्राणियों पर निर्भर होगा। पांचवें आयाम में और कोई नहीं, कॉस्मिक विष्णु रहते हैं, जो नींद में रहकर चौथे आयाम और तीसरे आयाम में हमारे ब्रह्मांड को निहारते हैं। पांचवें आयाम में स्थित गर्भोदक महासागर में विष्णु जी का आसन स्थित है। ये महासागर और कुछ नहीं, डार्क मैटर का एक अनंत सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु हमें पता है कि एक ब्रह्मांड तो है नहीं, बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड या पैरेलल यूनिवर्स हैं। जो प्राणी 6th डायमेंशन में रह रहा होगा वो सभी पैरेलल यूनिवर्स और उससे जुड़े चौथे और पांचवें आयाम को भी देख पा रहा होगा। ये प्राणी और कोई नहीं, भगवान ही है। छठे आयाम से शुरू हो जाता है विभिन्न भगवानों के विभिन्न लोक, जैसे गोलोक, वैकुंठ लोक आदि। छठे आयाम में महाविष्णु विराजते हैं जिनका आसन कर्ण महासागर के ऊपर स्थित है। इसी कर्ण महासागर पर सारे पैरेलल यूनिवर्स तैरते हैं। इसी महासागर पर भगवान विष्णु के कच्छप अवतार भी तैरते रहते हैं और पैरेलल यूनिवर्स को कर्ण महासागर में डूबने से बचाते हैं। दोस्तों, इन आयामों में ऊपर भी कई आयाम हैं जहां भगवान नरसिंह अवतार, भगवान राम अवतार, साक्षात भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। पर इन सभी आयामों के ऊपर भी एक जगह है जहां सब कुछ शून्य है, ना वहां समय है और ना कॉन्शियसनेस है। बस वहां एक ही भगवान है, वो है महाकाल, महादेव भगवान शिव शंभु। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।